तो दोस्तों ये है वो सैंपल। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर नेम का कॉलम मैंने दिया है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ए बी सी कुछ भी। अभी एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, एज डाल देते हैं और इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। अब यहाँ पर बटन दिया है मैंने सेव का, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो डेटा है ये मेरी शीट टू के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। और जब डिलीट का बटन दबाते हैं तो शीट टू में से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव डेटा, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है एंट्री वन, ठीक है। डेटा गायब हो गया है और ये पहुंच गया है शीट वन पे। चलिए एक और एंट्री करते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर ये दे देते हैं हम, ठीक है। सेव डेटा, एंट्री हो गई है दो और यहाँ पर दोनों डेटा आ गए हैं एबीसी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब डिलीट का मैं बटन दबाता हूं तो यहां पर एंट्री हो जाएगी एक, और एक एंट्री वहां से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। दोबारा मैं अगर दबाता हूं तो दोबारा ये डिलीट हो गया है, जीरो हो गया है और यहां पर हमारा डेटा डिलीट हो गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टेक ग्रुप प्लस। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्रो की, मैक्रो क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है। बेसिकली दोस्तों मैक्रो बहुत ही अमेजिंग कमांड है एक्सेल के अंदर। इस मैक्रो की बेस पर लोगों ने कंपनियां चला रखी हैं। मैक्रो के अंदर वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं एक्सेल के अंदर मैक्रो की हेल्प से और उन सॉफ्टवेयर को बेचते हैं। तो अगर आप इसके अंदर मैक्रो को सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप इससे नए नए चीजें बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैक्रो होता क्या है। बेसिकली जब हम एक्सेल के अंदर मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करता रहता है। जब हम मैक्रो में जाते हैं तो वहां पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे तो उसके बाद जो भी हम स्टेप यूज करेंगे, यानी कि हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फंक्शन लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, उसको वो स्टेप्स को हमारे रिकॉर्ड करता रहेगा। और जब रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के बाद वो एक जगह सेव हो जाता है। उसके बाद जब भी हमें किसी और फाइल में उसको अप्लाई करना होता है तो हम रन मैक्रो कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमने पिछली फाइल के अंदर स्टेप फॉलो किए थे वो एक सेकेंड के अंदर ये मैक्रो जो है अप्लाई कर देता है, यानी कि आपको दोबारा से उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। मैंने इसके लिए ये बेसिक वीडियो बनाई है और इसकी एडवांस वीडियो मैं बनाने वाला हूं। इसके लिए मैं पूरी सीरीज तैयार कर रहा हूं मैक्रो के ऊपर, ताकि आपको मैं प्रॉपरली समझा सकूं। तो आप मेरी वीडियोस को जरूर देखना ताकि आपको एक एक स्टेप मैक्रो का समझ में आ जाए और आप अपने खुद के फंक्शन बना सकें। और दोस्तों मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोस के इंटीमेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें मोबाइल पर या लैपटॉप पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आपको ये कैसे करना है। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूं नई, ठीक है। तो कंट्रोल एन करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो मैंने डिजाइन बनाया है ये कैसे बनाया है ये बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर नेम को कॉलम लेते हैं और एज और डेट ऑफ बर्थ। ये छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपके प्रॉपरली समझ में आ सके, इसका बहुत बड़ा यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एक बॉक्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो ग्रिड लाइन है ये हटा देते हैं, क्योंकि ये हमें काम करते हुए डिस्टर्ब करती है। अब हमारा फोकस अपने डेटा पर आ गया है, ठीक है। ओके, इसको सेंटर कर लेते हैं। इसके बाद हमें ये बनाना है टोटल एंट्री वाला कॉलम, तो हम यहां पर बना देते हैं। जितनी एंट्री हम करते जाएंगे वो यहां पर हमारे पास काउंट होती जाएंगी, ठीक है। इसको मैं मर्ज कर लेता हूं और इस तरह से इसको बॉक्स दे देते हैं हम, ठीक है, बोल्ड, ठीक है। ओके, अब हम बनाते हैं ये वाले बटन जो ये मैंने सेव और डिलीट के बटन बनाए हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में और यहां पर हम जाएंगे शेप्स पर, और ये हम दो शेप्स ले लेते हैं, एक तो ये ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और यहां से हम जो भी अपना डिजाइन देना चाहते हैं वो यहां से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां राइट क्लिक करके एडिट पे जाएंगे और हम यहां पर लिख देंगे सेव। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके प्रॉपरली समझ में आ सके। और इसकी कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी,
ठीक है, और इसको मैं यहां पर रख देता हूं। अब इसका नाम रखते हैं डिलीट एंट्री, ठीक है। अब जो हेडिंग है मैं यहां पर इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको थोड़ा कलरिंग कर लेते हैं, ओके। और जिस तरह से मैंने ये शेडिंग ली है ग्रीन कलर में, ये व्हाइट आ रहा है, ये भी दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। इसको मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और हम जाते हैं फिल के अंदर, फिल इफेक्ट, इसमें कलर ले लेते हैं जो भी आपको लेना है। यहाँ फ्रॉम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ओके और ओके, तो इस तरह से आपकी शेडिंग आ जाएगी, ठीक है, ओके और ओके, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, शीट टू लेनी है और यहां पर ये जो हेडिंग है ये एज इट इज कॉपी करने हैं आपको, यहां कर लेते हैं, एक सेल छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। व्यू में जाके ग्रिड लाइन को हटा लेते हैं, ये हमारा फोकस ताकि हमारे डेटा पर आ जाए। शीट वन पे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम एक एंट्री सैंपल के लिए कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और एज में डाल देते हैं 55 और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं जो भी है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर मेन काम स्टार्ट होता है मैक्रो का, ठीक है। तो मैक्रो के लिए हम जाएंगे व्यू के अंदर और यहाँ पर मैक्रो का एक ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन नहीं आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाना है, एक्सेल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर पॉपुलर में जाके शो डेवलपर रिबन पर जाएंगे और इसको टिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ जाएगा डेवलपर के नाम से। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो मैक्रो का यहाँ पर एक पूरा बॉक्स आ जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी मैक्रो को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं चलिए फॉर एग्जाम्पल इसी को ही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, आपको करना है रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में जाने के बाद यहाँ पर ये पूछता है कि आपको मैक्रो का नेम क्या रखना है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ सेव, ठीक है। जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ पर ले सकते हैं नाम। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है मैक्रो को रन करने के लिए तो आप यहाँ पर दे सकते हैं उस ऑप्शन को, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी देता हूँ, तो अगर वो शॉर्टकट ऑलरेडी यूज हो रहा है तो वो यहाँ पर बीच में शिफ्ट ऐड कर देगा। तो मैंने एस, कंट्रोल एस तो सेव के लिए होता है, मैंने एस लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली शिफ्ट दे दिया, ठीक है। अब है स्टोर मैक्रो इन, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो ऑप्शन लेना है वो सबसे पहला लेना है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। इससे क्या होगा, जब भी आप मैक्रो को रन करोगे तो किसी भी वर्कबुक में रन कर सकते हैं, ये आपके एक्सेल के अंदर सेव हो जाएगा, और अगर ये दिस वर्कबुक करोगे तो इसी वर्कबुक में वर्क करेगा, तो हम पर्सनल ले लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको दिखेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि हमारी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये क्या करता है, ये हमारे स्टेप रिकॉर्ड करता है, हम कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं, कहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप रिकॉर्ड करेगा, ये ना कि वीडियो नहीं बनाता, वीडियो नहीं रिकॉर्ड करेगा, ये स्टेप रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप होगा इस लाइन को मुझे करना है कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी, और मैं जाऊंगा शीट टू पे और यहां पर जाकर राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट कॉपी सेल कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बाहर आऊंगा शीट वन पर वापस आऊंगा और यहां पर मैं इसको डिलीट करूंगा, डिलीट आपको दबाना है, डेटा डिलीट हो जाएगा और मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो मैंने अभी किया है यहां से कॉपी करेगा, वहां पर पेस्ट करेगा, वापस आके इसको डिलीट करेगा और इस सेल पे ये कर्सर आपका वापस आ जाएगा। आप अगर यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर वो कर्सर वापस आएगा, ठीक है। तो जो भी आप स्टेप यहां पर करते हैं, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट बता देंगे ना तो ये कॉपी पेस्ट ही करेगा, डिलीट बता देंगे तो ये डिलीट ही करेगा। इसको मैं कर देता हूं स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ये जो सेव का बटन है इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस बटन को अभी तक बताया नहीं है कि तुझे क्या काम करना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहां पर जाएंगे असाइन मैक्रो पर, ठीक है, ओके। असाइन मैक्रो में जाकर यहाँ पर हमारे जितने भी मैक्रो रिकॉर्ड हुए हुए होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमने जो नाम दिया था उसको दिया था सेव के नाम से, ये सेव के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, पर्सनल में जाकर आपका मैक्रो यहाँ पर मिल जाएगा। तो सेव के नाम से मैंने किया था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, बार क्लिक करता हूँ एक बार, तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी एक एंट्री पड़ी हुई है, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, चाहे
इसी में ही ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एंट्री करता हूं एक्स वाई जेड और एज मैं यहां डाल देता हूं 12 और यहां पर कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। अब सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव होना चाहिए। ये देखिए हमारा डेटा यहां पर आ गया है, सेव हो गया है। और अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट में कर्जर यहां पर रखा था तो मेरा जो कर्जर है ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया है। तो अब मैं दोबारा एक एंट्री और करता हूं, ठीक है। सेव पर क्लिक करते हैं, डेटा डिलीट, कर्जर वापस इधर और डेटा कॉपी इधर, ओके। तो हमारी यहां पर लिस्ट ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। और अब बात करते हैं हम डिलीट एंट्री की, तो इसके लिए भी हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। इस बार मैं आपको डेवलपर टाइम में करके दिखाता हूं। रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, यहां पर हम नाम देंगे डिलीट और शॉर्टकट दे देते हैं डी। तो ये देखिए डी तो ऑलरेडी है, इसका मतलब इसने शिफ्ट इसलिए ऐड कर दिया, ऑलरेडी ये फंक्शन है। पर्सनल में इसको रिकॉर्ड करना है, ओके कर देना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब रिकॉर्डिंग में इसको बताना है क्या करना है। शीट टू पे जाए, शीट टू पे जाने के बाद यहां पर क्लिक करे, राइट क्लिक करे और डिलीट मार दे एक एंट्री, ठीक है। फिर यहां पर ये क्लिक कर दे, उसके बाद जाए शीट वन पर और कर्जर मेरा वापस यहां पर क्लिक करके मुझे छोड़ दे, ठीक है। तो इसका काम इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मैं इस बटन को भी बता देता हूं कि इसका काम क्या है। राइट क्लिक करते हैं और असाइन मैक्रो करते हैं और इसको डिलीट वाला मैक्रो दे देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब इसका काम हो गया है डिलीट करना। तो यहां पर दो एंट्रियां हैं, अब डिलीट पे क्लिक करते हैं, एक एंट्री डिलीट होनी चाहिए, ये देखिए। और दोबारा से डिलीट करते हैं, ये एंट्री भी डिलीट, देखिए, ठीक है। और कर्जर कहां पर है हमारा, जहां पर हमने लास्ट इसको छोड़ा था। अब एक चीज और है, मैंने यहां पर लिखा था टोटल एंट्री, यहां पर शो नहीं कर रहा है। यहां पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सिंपल, तो यहां पर मैं लगाऊंगा इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। और अब चलते हैं शीट नंबर टू पर, यहां पर मैं पूरे पर इसको क्राइटेरिया दे देता हूं कि ये नीचे तक जितनी भी एंट्री हो उनको काउंट कर ले, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहां पर ये हमें बताता रहेगा काउंट करके कि कितनी एंट्रियां हो चुकी हैं। अब एंट्री तो जीरो है लेकिन यहां पर दिखा रहा है एक एंट्री, क्योंकि वो काउंट कर रहा है कि ये जो हेडिंग है ये एंट्री है। अगर मैं माइनस कर देता हूं उसके अंदर से वन, तो लास्ट में जाके माइनस वन कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो एंट्री हो गई जीरो, ठीक है, क्योंकि हेडिंग तो एंट्री है नहीं। तो अब एक एंट्री करके देखते हैं, ठीक है। अभी सेव नहीं की है, सेव करते हैं तो एंट्री सेव हो गई है, यहां पर वन आ गया है, ओके। दूसरी एंट्री करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं तो एंट्री हो गई है दो। और यहां पर चलते हैं तो हमारी दोनों एंट्री आ चुकी हैं, ठीक है। और अब टेस्ट कर लेते हैं डिलीट एंट्री को। तो डिलीट पे सिंपल क्लिक करना है, एक एंट्री और यहां पर एक एंट्री बची हुई है, और डिलीट करते हैं तो जीरो और अगेन ब्लैंक, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान से देखिए, जब आपका डेटा बन जाए, मैक्रो बन जाए, उसके बाद आपको अपनी फाइल को सेव कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फाइल में जाएंगे और यहां पर आप जाएंगे सेव एज में, यहां पर जाएंगे एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। अब मैं इसको कर देता हूं सेव डेस्कटॉप पे। इससे फायदा क्या होगा कि हमारी जब भी हम फाइल ओपन करेंगे ना, तो मैक्रो को रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार ये ऑटोमेटिकली रन फॉर्मेट में आएगा। तो यहां पर मैं फाइल का नाम देता हूं मैक्रो और इसको कर देते हैं सेव। अब आपको करना क्या है, इसको पहले बंद करना है और इसके बाद इसको भी बंद करना है। अब देखिए यहां पर ये मेन चीज है, अगर आपने इसको नो कर दिया तो आपका जो मैक्रो है वो वर्क नहीं करेगा। दोबारा अगर आप फाइल ओपन करते हैं तो यहां पर इसको आपको यस करना है। अब ये जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग थी वो आपके फाइल में सेव हो चुकी है, तो ये हमारी फाइल आ गई है मैक्रो के नाम से। इसको मैं ओपन कर लेता हूं और इसको दोबारा एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं तो मेरा यहां पर डेटा आ गया है। और दोबारा टेस्ट करते हैं, कुछ भी अगर ऐसी डेटा डाल के देख रहा हूं मैं, ये आ गया, ठीक है। तो हमारा मैक्रो जो है सही से रन कर रहा है। तो आपको ये चीज बड़े ध्यान से करनी है, अदरवाइज आपका मैक्रो रन नहीं करेगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक चीज और बताता हूं, अगर आप ये फाइल कॉपी करके किसी दूसरे लैपटॉप में ले जाते हैं, वहां पर मैक्रो नहीं रन कर रहा है, तो अब क्या करना है। तो इस फाइल को कॉपी करने से पहले आपको जाना है डेवलपर टैब में,
ठीक है, विजुअल बेसिक पे आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मॉड्यूल दिखेंगे काफी सारे, इस तरह से शीट होगी आपकी। यहाँ पर जाएंगे आप मॉड्यूल के अंदर, तो यहाँ पर आपका, यहाँ मेरे 4-5 मॉड्यूल आ रहे हैं, आपका एक ही आएगा क्योंकि मैंने तो बहुत सारे डिलीट कर दिए ना बना के। तो यहाँ पर तो आप एक एक करके इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको एक जगह कोडिंग मिलेगी ये वाली। तो जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करे थे सेव के नाम से और डिलीट के नाम से, वो यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए सेव और डिलीट। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ पूरे को कॉपी। अब नोटपैड की फाइल में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा मैक्रो है जो कि हमने रिकॉर्ड किया था। सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। ओके, अगर ये फाइल वर्क करती है आपके उस लैपटॉप के अंदर तो ठीक है, अगर वर्क नहीं करती है तो ये जो आपका जो कोडिंग थी ये वाली, इसको आपको इस एक्सेल के अंदर इंस्टॉल करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये वर्क करेगी प्रॉपरली, अगर नहीं करती है तो। चलिए दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं, डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक में आप चले जाना और यहाँ पर मॉड्यूल में जाके इसको, ये इस तरह से आपका आ जाएगा, डिलीट आएगा। ठीक है, तो किसी भी मॉड्यूल में जाके यहाँ पर आप इसको पेस्ट करना है, वो कोड जो मैंने आपको सेव कराया है डेस्कटॉप पे ये वाला। एक बार मैं टेस्ट करता हूँ ये रन कर रहा है या नहीं। सेव पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मना कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया आपके सामने। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहां पर चलते हैं कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं, एक्सेल में चलते हैं। अब टेस्ट करें, सेव, ये देखिए सेव हो गया और एंट्री भी आ गई 1। और ये आ जाइए यहाँ पे, दूसरी एंट्री करते हैं, सेव, 2 एंट्री हो गई हैं और ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपनी फाइल को भी दूसरे लैपटॉप में रन कर सकते हैं, मैक्रो वाली को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सेल की और वीडियोस की। मेरे चैनल पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेल की बहुत ही सारी वीडियोस मिल जाएंगी और टैली सॉफ्टवेयर की बहुत ही सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियोस फोल्डर वाइज मिल जाएंगी। एक्सेल का फोल्डर अलग बना हुआ है और टैली का अलग बना हुआ है, इस तरह से। ठीक है, और साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन आएगा उसके ऊपर, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना। उससे होगा ये कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं उनके ईमेल मोबाइल पर या आपके लैपटॉप पर आते रहेंगे। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैक्रो की वीडियोस डालने वाला हूँ, पूरा एक सीरीज बना रहा हूँ मैं मैक्रो की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।